हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। गुड मॉर्निंग। और अभी अभी मेरी ये गुड मॉर्निंग हुई है और यहाँ पे मैं चाय पी रही हूँ और टीवी देख रही हूँ साथ साथ। काफ़ी वक्त बाद हम लोग टीवी देखना स्टार्ट किए देखे हैं, क्योंकि सब मोबाइल पे ही देखते ज़्यादातर। अब दादी में बीमार हुई हैं, तब से हम लोग टीवी नहीं देखे हैं। तैयार तो हो गए, लेकिन फिर शाम में भी जाना है। लेकिन कहाँ जाना है वो अभी मुझे नहीं पता है ना। पहले यहाँ जाके दिखाते हैं आप लोगों को, चलते हैं। गाइस निकल गए हैं, साथ में अनस भी आ गए हैं। नहीं, वॉइस ओवर दूंगी। काहे वॉइस ओवर दूंगी भाई। हम आ गए थे पाटा हाउस की मार्केट एक्सप्लोर करने। यहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ें दिखी है और फिर उसके बाद हमने लिया कुर्ती और कोट शर्ट घर वालों के लिए। वापस रूम पे आ गए। मच 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 लेटर। रूम पे आए, रूम पे कुछ देर आराम किए, फिर प्लान हुआ कि चल चलते हैं हुमायूं मकबरा देखने। और हम सब मिलके चल दिए हुमायूं मकबरा देखने, और जो काफ़ी खूबसूरत था। मुझे इंस्टाग्राम पे ज़ारा दिखाई थी कि ये देखो, ये काफ़ी अच्छा है और यहाँ पे फ़ोटोज़ अच्छी आती है। तो हम सब आ गए हुमायूं मकबरा और फिर यहाँ से हमने टिकट लिया। टिकट लेने के बाद हो गए हम लोग एंट्री करने लगे, और एंट्री ये हुआ कि कुछ देर तो वेट करना पड़ा यहाँ पर टिकट लेने, जो काफ़ी रश था यहाँ पर। और फिर उसके बाद हम लोग एंट्री किए और फिर हमारा ये प्लान हुआ कि अच्छा मुबशिर है, अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक करें, क्योंकि मुबशिर काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक कर। यार इतना पुराने पुराने सब, मतलब इतना खूबसूरत है कि उसको एक लफ्ज में बयां भी नहीं कर सकते। पीछे की स्टोरी मैंने मुबशिर से पूछा कि क्या यहाँ पे भी इसके पीछे मोहब्बत वोब्बत की सीन है, तो क्या पता। अनस इसकी स्टोरी क्या है, मतलब इसका भी कोई मोहब्बत वोब्बत पे ही बना था? मोहब्बत पे बना था। तेज बोलो। हुमायूं की बंदी थी। हाँ, हुमायूं शराब पी के मर जाते हैं। हाँ, लाइब्रेरियन गिर के अपना तुर्की की बंदी होती है, नाम होता है हमीदा बानो बेगम। हाँ, वो बनवा तुर्की की आ गई। ठीक है, वो बनवाए रहती हैं। ओह, जैसे ताजमहल को शाहजहाँ ने अपने मुमताज़ के लिए बनाया था, वैसे ही। अच्छा यार, कोई मेरे लिए भी बना दो। Never। मकबरे में हर कोई फोटोज क्लिक करवाता है, लेकिन वहाँ पे एक इंसान थे जो हर किसी को पकड़ पकड़ के फोटोज क्लिक करने के लिए बोल रहे थे, वो थे ये। और हम लोग जब बाहर निकल रहे थे मकबरे से, तो वो रास्ते में मिल गए, तो हम लोग उनसे बोल रहे थे कि क्या आप तो पूरे साल की फोटोज क्लिक करवा लिए। तो वो बोले हाँ, मैंने पूरा फुल पैसा वसूल किया। Much, much, much later। मकबरे से निकलते हुए शाम हो चुकी थी, हमें जाना था नोएडा। फिर हमने ओला बुक किया और निकल पड़े नोएडा की तरफ। वहाँ पे आयशा पे उनकी फ्रेंड्स वेट कर रही थी। आज प्लान था नोएडा का घूमने का उनके साथ। फिर हम रास्ते में चेक कर रहे थे फ़ोटोज़ जो हमने वहाँ पे क्लिक करवाई थी मकबरे में। और फिर हम पहुँच गए मॉल जहाँ पे आयशा पी और उनकी फ्रेंड्स थी। और फिर उसके बाद हम लोग एंट्री किए और वहाँ पे मिले आयशा पी। मुझे खाना था सीज़र, तो मैंने सीज़र ऑर्डर किया। और फिर उसके बाद निकली मेकअप के शोरूम में, वहाँ पे विंडो शॉपिंग की। विंडो शॉपिंग करने के बाद फिर निकले नोएडा सेक्टर 14, वहाँ पे खाना खाना था। काफ़ी रात हो चुकी थी, खाना वाना खा के फिर दिल्ली वापस जाना था। फिर यहाँ पे हम आए, खाना खाए और फिर निकल पड़े वापस दिल्ली। और ये हो गया नेक्स्ट डे, और मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है दोपहर से। और फिर सबसे पहले हम आए हुए थे पैसे निकाले एटीएम, पैसे निकाले और फिर निकले जैसे बाहर, वैसे मेरा शू रेस खुल गया, तो अनस मेरा शू रेस बांध रहा है। और फिर उसके बाद हम निकल पड़े खाने पीने, क्योंकि हमें काफ़ी भूख लगी हुई थी, सुबह से कुछ नहीं खाए हुए थे। और आज अनस को वापस अलीगढ़ जाना, आज अनस और मुबशिर को, क्योंकि अनस का स्कूल खुल रहा है, मुबशिर के भी कॉलेज थे। और फिर हम आए, जूस पिए, मैंगो शेक। आप अपा को खाना था मोमोज, तो उन्होंने ऑर्डर किया मोमोज, तो हम सब खाए पिए। और फिर अनस
और मुबशिर अपने रास्ते चले गए। वो लोग को वापस अलीगढ़ जाना था और हमें जाना था रसपत मार्केट, जहाँ पे हमें शॉपिंग करनी थी। तो हम लोग अपने रास्ते निकल पड़े। यहाँ पे सलाम दुआ हुआ और फिर उसके बाद वो लोग को टाटा बाय बाय करने के बाद हम निकल पड़े अपने अपने रास्ते। और फिर हम आ गए रसपत मार्केट। यहाँ पे हमें, क्योंकि यहाँ पे आयशा अप्पी और उनके फ्रेंड्स थे, उनके साथ हमें रसपत मार्केट घूमना था। तो हम आए सबसे पहले हैंडबैग देखने। यहाँ पे हमें हैंडबैग कुछ अच्छे लगे लेकिन हमने लिया नहीं। फिर हम यहाँ पे स्ट्रीट मार्केट देखे, जहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे सामान यहाँ पे मिल रहे थे। और फिर यहाँ पे हमें खाना था, मेन फोकस था हमारा डोमिनी आंटी का मोमोज खाना, जो कि पहुँच तो गए लेकिन इतना ज़्यादा रश था, वापस हम लोग वापस भाग आए क्योंकि रेट काफ़ी हो रहा था। फिर हम आए बाटा हाउस, वहाँ ज़ायरा रेस्टोरेंट, वहाँ से हमने खाना खाया। यहाँ पे हमने ऑर्डर किया था चिकन मलाई टिक्का, चिकन बर्रा एंड बिरयानी, जो काफ़ी यम था। फिर उसके खा पी के हम आगे रूम पे। रात के 1 बज गया था, हमें लगी थी भूख, तो हमने ऑर्डर किया बिरयानी, आइसक्रीम एंड कोल्ड ड्रिंक। और पूरी रात हमें जगना था क्योंकि 4 बजे हमें चेकआउट करना था होटल से। तो हमारा 4 बज गया था और हम लोग चेकआउट कर दिए थे, और 4:30 बजे हमने ओला बुक किया था और निकल पड़े स्टेशन की तरफ। और स्टेशन पहुँचे 5 बजे और यहाँ पे 6 बजे हमारी ट्रेन की टाइमिंग थी, तो 6 बजे 1 घंटा वेट किए। और फिर उसके बाद हमें बहुत देर नींद आ रही थी, तो हमने और मंगवाया चाय पिया। और 6 बज गए थे, 6 बजे फिर हमने ट्रेन पे बैठे। और फिर यहाँ पे हमारी शताब्दी की वापसी की ट्रेन थी, और यहाँ पे ऐसा फनी एक्सीडेंट हुआ हमारे साथ कि आप और आयशा अप्पी को लग रहा था हर चीज़ यहाँ पे फ्री का मिल रहा है, तो ये चिप्स जो भी सामने आती थी वो हर चीज़ उठा लेती थी और कहती थी जो भी रहेगा वो पैसा वसूल करेंगे। और फिर बाद में इनको पेमेंट करना पड़ा था। फिर हम पहुँच गए लखनऊ। 2000 years later अभी कुछ देर पहले ही घर आई हूँ, और घर आते ही इतना अच्छा मौसम हो गया कि देख के मज़ा आ रहा है। इतनी गर्मी थी ना सुबह से, इतनी काफ़ी गर्मी थी, और अब जाके थोड़ा सा रिलैक्स वाला फील आया है। मौसम इतना अच्छा देख के, और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मौसम भी अच्छा, बस बारिश हो जाए बस। काफ़ी थक गया है। The next day. लखनऊ से हम डायरेक्ट आ गए थे घर, और फिर सो गया और नेक्स्ट डे हो गया। और फिर यहाँ पे अप्पी को ही जो शॉपिंग वॉपिंग किए हुए थे वो शॉपिंग दिखाई, क्योंकि यहाँ पे बाजी नहीं थी, बाजी वापस बहराई चली गई थी। नौशीन अप्पी और फुप्पी जान लखनऊ में थी, तो अप्पी को दिखाए थे, और हुसैन के लिए शूज़ लाए हुए थे हुसैन और जैन के लिए, और अप्पी अप्पी के सबके लिए सामान जो लेके आए हुए थे वो दिखाए। और फिर यहाँ पे हुसैन काफ़ी खुश हो रहा था, उसको बहुत मज़ा आया था अपना शूज़ पहन के देख कर, और उसके लिए सनग्लास भी लाए हुए थे। और ये हमारे सैंडल्स की शॉपिंग, जो हम सबके लिए गिफ्ट लाए हुए थे और कुछ अपने लिए लिए हुए थे, तो ये है हमारी पूरी सैंडल्स की शॉपिंग। और अब बारी हुई हमारे कपड़ों की शॉपिंग, जो हमने कपड़ों की शॉपिंग की हुई है वो दिखा रहे थे, और कुछ अपने लिए लिए हुए हैं और कुछ घर वालों के लिए लिए हुए थे, तो वो सब दिखा रहे थे। दिल्ली की शॉपिंग करके काफ़ी मज़ा आया, जिस हिसाब से हम लोग सोचे हुए थे कुछ नहीं लेंगे उस हिसाब से बहुत सारी शॉपिंग कर लिए हुए हैं। पहले हम लोग यहाँ से डिसाइड किए हुए थे सिर्फ हम लोग घूमेंगे, शॉपिंग नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हम लोग साथ में घूमे भी और शॉपिंग भी बहुत सारी किया। और ये है अम्मी की, अम्मी के लिए कपड़ा लेके आए हुए थे तो उनको दिखा रहे थे। और ये हमारी शॉपिंग जो हम लोग सबके लिए लेके आए हुए थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।